गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं अपना वीकली क्लीनिंग रूटीन। ये वीकली भी हो जाता है और 15 दिन में भी हो जाता है, लेकिन सबसे पहले जो मेरा काम स्टार्ट होता है वो होता है मेरे इंडोर प्लांट्स को बाहर रखने का। तो अर्ली मॉर्निंग मैं उठ के इनको बाहर रख देती हूँ और इनको पानी दिया जाता है ताकि जब तक मैं अपना सारा काम करूं तो ये भी थोड़ी सी जो सनलाइट है वो ले ले और इनका सारा जो पानी है, एक्सेस पानी है, वो निकल जाए। तो ये होता है मेरे क्लीनिंग की शुरुआत। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूं अपने बेडरूम से। तो बेडरूम की क्लीनिंग स्टार्ट होती है बेडशीट को चेंज करने से। जैसे कि मैंने अपने जो लॉन्ड्री रूटीन है उसमें भी शेयर किया हुआ है कि जो बेड शीट्स है मेरी वो मैं वीक में एक या दो बार ही वॉश करती हूँ। साथ में जो पिलो कवर्स, जो कुशंस कवर होते हैं, उनको देख लेती हूँ कि वो धोने वाले हैं या नहीं। अगर वो मैले हैं तो मैं उनको वॉश करती हूँ, अदरवाइज मैं उनको एज इट इज छोड़ देती हूँ क्योंकि ये इतने ज़्यादा यूज में नहीं आते हैं। और किसी भी चीज़ को अननेसेसरी वॉश करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो इससे आपका टाइम भी सेव होता है, साथ में आपका बजट भी बना रहता है। उसके बाद मैं जो अपना वॉल शेल्फ होते हैं या कुछ भी ऐसा है जो ऊपर की साइड में है उनको क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको अपने हर क्लीनिंग वीडियो में जरूर शेयर करती हूँ कि जब भी आप क्लीनिंग स्टार्ट करें तो ऊपर वाले पोर्शन से करें ताकि ऊपर जो डस्ट वगैरह है वो नीचे गिरेगा तो आप फिर बाद में उसको क्लीन कर सकते हो। लेकिन अगर आप नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर वो बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले ऊपर की साइड से ही क्लीनिंग स्टार्ट करें। तो एक क्लीनिंग का एक थंब रूल है कि आपकी जो क्लीनिंग है वो हमेशा ऊपर की साइड से ही होनी चाहिए। तो ये मेरी वीकली क्लीनिंग है इसलिए मैं जाले वगैरह नहीं उतार रही हूँ, वीक में नहीं होते हैं वो, मैं मंथली में अपना स्केड्यूल करती हूँ उनको। तो बस उसके बाद सब चीज़ों को पोच करके अपना और उनको वापस से रीअरेंज कर दीजिए। चाहे तो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आप उनको अरेंज कर सकते हैं। और इस क्लीनिंग में चाहे आपका हैंगिंग है या कुछ भी है उनको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना धूल के, वो जम जाते हैं और वो आपको दिखते नहीं, लेकिन थोड़े दिनों बाद अगर आप वीकली उसको क्लीन नहीं करोगे तो वो फिर आपकी, जैसे ये मेरा हैंगिंग है तो इसको बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है। तो कुछ कोई भी चीज़ों को मतलब छोड़ना नहीं है आपको, हर चीज़ को आपको क्लीन कर देना है। एक कपड़ा भी मारेंगे ना तो उससे भी आपका जो घर है वो साफ सुथरा नजर आएगा। तो वॉल पर हैंग हुए पिक्चर फ्रेम भी इसी कैटेगरी में आते हैं मेरे वीकली क्लीनिंग में, क्योंकि जो मिरर होता है, जो ग्लास होता है इसके ऊपर, उस पर धूल जम जाती है तो ये थोड़ा सा पुराना पुराना सा लगने लग जाता है, मतलब एक लेयर जम जाती है ना धूल की, तो वो अच्छा नहीं दिखता। और इसको मैंने कोलिन की हेल्प से क्लीन किया है। आप चाहें तो इसको पानी की हेल्प से भी क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही ये बिल्कुल अच्छा सा हो जाता है और एकदम से बिल्कुल क्लीन लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे वो सांस लेने लग गया है। तो इसके चारों तरफ से फ्रेम को सिर्फ ग्लास ही क्लीन मत कीजिए, जो उसका चारों तरफ फ्रेम होता है ऊपर नीचे पीछे हर तरह से आप उसको क्लीन करना है, तभी वो आपको देखने में अच्छा लगेगा, साफ सुथरा लगेगा। तो इसी तरह से पूरे रूम को हमें क्लीन कर देना है, बस सही चीज यूज करनी है। जैसे मैं लकड़ी के लिए मैंने यहाँ पे सूखा कपड़ा यूज कर रही हूँ और टेपेस्ट्री पे भी ये सूखा कपड़ा ही मैं यूज करूंगी, इससे जो सारे धूल मिट्टी है वो झड़ जाएगी। तो हमें यहाँ पे गीला कपड़ा या कुछ और यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके घर पे धूप अच्छे से आती है तो जो आपके कुशन या पिलो कवर्स होते हैं आप उनको जब ये क्लीनिंग करते हैं तब धूप जरूर दिखाइएगा, वो काफ़ी अच्छा रहता है आपके क्लीनिंग के लिए भी, हाइजीन वे से भी और बाकी आपका क्लीनिंग के लिए भी। उसके बाद जो मेरा बेड वगैरह है मैं उसको अभी उसको डस्टिंग कर दूंगी क्योंकि मैं ऊपर वाली जो सफाई मेरी वो सारी हो चुकी है। अब जो नीचे का पोर्शन है उसको मैं एक बार मोटा मोटा क्लीन कर रही हूँ ताकि अभी मैं झाड़ू जब लगाऊंगी तो वो मेरा जो भी धूल मिट्टी अगर गिरी है तो वो नीचे गिर जाए और वो उसके साथ निकल जाए।
बेड के साइड से और ड्रेसिंग टेबल के पीछे से मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, क्योंकि मैं मंथली में ही इन चीज़ों को आगे हटा करके क्लीन करती हूँ, लेकिन जो मिरर है उसको भी मैं थोड़ा आगे खिसका लेती हूँ, और बेड के साइड से भी मैं वीक में एक ही बार करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ों को जब आपके पास स्पेस नहीं है इधर से उधर मूव करना। तो मैं सिर्फ ड्रेसिंग टेबल को आगे खिसका के और बेड के साइड से निकाल देती हूँ, झाड़ू पोछा दोनों कर देती हूँ, तो इसी में आपकी जो काफ़ी क्लीनिंग है वो हो जाती है। और मंथली में मैं इन सबको बाहर निकालती हूँ। अगर मंथली आपने वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा, मैंने वो भी शेयर किया हुआ है। तो उसके बाद बारी आती है सारे डस्ट को बाहर निकालने की। तो मैंने यहाँ पे जो सारी चीजें हैं टेबल वगैरह है उनको हटा करके और बेड के नीचे से प्रॉपर अच्छी तरह से मैं झाड़ू लगाती हूँ, जहां तक मेरा हाथ जाएगा वहां तक मैं इस झाड़ू से इसको करूंगी, ताकि जो जितना भी कुछ डस्ट वगैरह है वो जो भी इसके नीचे है वो सब बाहर आ जाए। डेली में इतना नहीं हो पाता है, डेली में थोड़ा सा आगे तक ही होता है, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम लगा करके और काफ़ी अंदर तक अपना पूरा हाथ डाल के कर सकते हैं, क्योंकि डेली इतना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये सब वीकली क्लीनिंग में ही आपका हो पाता है। तो रूम में जो भी पॉसिबल फर्नीचर है हटाना एक आपको हटा करके और आप अपनी वीकली क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे काफ़ी सारे डस्ट और बहुत सारे बच्चे जो चीज़ें को फेंक देते हैं वो आपको उनके पीछे ज़रूर मिलेगी। तो जो चीज़ें आपको कभी नहीं मिलेगी है ढूंढने पर भी, तो आपको अपनी डीप क्लीनिंग करते हुए ज़रूर मिल जाएगी, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। उसके बाद जो मिरर होता है मेरा, उसके लिए मैं कोली यूज़ करती हूँ, और इसके लिए एक अलग से डस्टिंग कपड़ा मैंने लिया हुआ है। तो नॉर्मल एक बार जो पहले डस्टिंग की थी उसके लिए अलग से माइक्रोफाइबर क्लॉथ था, मिरर के लिए अलग है, और जो बाकी की जो मेरी डस्टिंग होगी उसके लिए मैंने अलग से लिया हुआ है, ताकि जो पहले की धूल मिट्टी है वो उसमें ना लगे। और मेरा ये शादी का फर्नीचर है, 14 साल हो चुके हैं, मैं इनको जब भी ऐसे क्लीन करती हूँ तो हमेशा कोलिन का ही यूज़ करती हूँ, कोई और चीज़ यूज़ नहीं करती, या फिर गीले कपड़े से। तो मेरा फर्नीचर आज भी एज इट इज़ है, लकड़ी का है, ये प्योर लकड़ी है, लेकिन कुछ भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ा है, और मैं अपने बेड को चारों तरफ से क्लीन करती हूँ। उसके बाद पोचे को वाइपर में इस तरह से लपेट के पूरे बेड के नीचे से मैं घुमा देती हूँ, क्योंकि दूसरी साइड में स्पेस नहीं है, तो इसी तरफ से मुझे सारा करना पड़ता है।
और बाकी जैसे जो नॉर्मल पोछा होता है, झाड़ू पोछा होता है, वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपके बेड के नीचे जितनी भी गंदगी होती है वो निकल आती है। मोस्टली बेड को हटा के तो मैं जो मंथली क्लीनिंग होती है उसी में करती हूँ। तो बस अब जो पोछा है वो मैं अपना सारे में लगा दूंगी और यहाँ पे जो मेरी मोस्टली जो क्लीनिंग है, क्लीनिंग पार्ट मेरा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। सारी डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब मेरा हो गया है। जो चीजें जहाँ पे रखनी थी वो मैं रख चुकी हूँ। बस बारी आती है आपकी बेडशीट बिछाने की। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट अपनी बिछा दी है, पिलोज मैं है वो लगा दूंगी और बेड जो मेरा हो जाएगा तैयार। तो यहाँ आपका मोस्टली जो चीज है वो आपकी क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो आपका जो रूम है वो आपको लगेगा कि सांस ले रहा है। मुझे तो हर बार ऐसा ही लगता है, जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे लगता है कि अब मेरा रूम है वो सांस ले रहा है। बहुत लाइट फील होता है, ऐसा लगता है बहुत हल्का हल्का सा हो गया है। आई होप कि आप लोग के साथ भी ऐसा ही होगा। तो देखिए पूरा रूम है जो मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है सारा। बस एक लास्ट काम है वो और मैं यहाँ पे कर देती हूँ, वो है डोर मैट को रिप्लेस करना। तो ये मैंने वॉश कर दिए थे, इनको भी वीकली ही वॉश करती हूँ और इनको वापस से लगा देते हैं। तो ये हो गए हैं मेरे रूम की क्लीनिंग, सारी जो रूम की वीकली क्लीनिंग है वो हो चुकी है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।